सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई। सो गाइस कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को अपनी रैंकिंग मत बताओ, क्योंकि मेरे को पता है आप में से कोई भी बंदा अभी रैंक पुश नहीं कर रहा होगा और मैं भी रैंक पुश नहीं कर रहा। और आप सोच रहे हो ना कि भाई अगर तू रैंक पुश नहीं कर रहा तो फिर तू सोलो क्यों खेल रहा है। उन लोग के लिए जो बंदे रैंक पुश कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट कर सकूँ भाई, गेम वेम देख करके थोड़ा बहुत सीख जाए कि मतलब भाई फ़ाइट आखिर लेनी कैसे है इंटेंस सिचुएशन में। खैर कोई नहीं, अब गाइज उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला गेम प्ले बहुत ओपी होने वाला है। आप ये वाला गेम प्ले लास्ट तक देखते रहना, और ये मेरा फर्स्ट गेम ही है तो देखना बस स्वाद जाएगा आपको। और भाई यहाँ पर एक बंदा बिल्कुल मेरे साथ उतरता है, तो खैर कोई नहीं, इस बंदे को फिनिश कर देते हैं। और भाई मेरे को एक बात जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो कि भाई अगर आपको चाहिए पबजी न्यू स्टेट का गेम प्ले तो ये चीज़ बता देना मेरे को कमेंट करके। और यहाँ से भी एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो फुल फ्री फायर से ये बंदे को यहाँ पर भर देते हैं। अब गाइज ये चीज़ मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अभी BGMI के बाद आप कौन सा गेम खेलने वाले हो। जहाँ तक मेरे को लगता है आप में से ज़्यादातर बंदों का सवाल पबजी न्यू स्टेट होगा। खैर फिर भी मेरे को कमेंट करके बता दो। और यहाँ पर एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो ये बंदों को आराम से फिनिश कर देता हूँ। और भाई ऑलमोस्ट ये बंदा मेरे को फिनिश कर ही देता है। खैर कोई नहीं, एंड गाइस सच बताऊँ ना तो मैं बस अभी गेम फुल मज़े के लिए खेल रहा हूँ, ज़्यादा रैंक पुश सीरियस होकर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये गेम के अंदर आपको अंधे रशेस देखने के लिए मिलेंगे, फुल मज़ा जाएगा आपको। और ये गेम प्ले के बीच में कितना मस्त पार्ट है ना, वो तो भाई आपको देखना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता, शायद से आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे यहाँ तक मेरे को लगता है। तो यार ये वीडियो मेरे भाई लास्ट तक देख लो यार, ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, 6 मिनट की वीडियो है। और फिलहाल के लिए देखो ये वाले कंपाउंड में एक बंदा था, मतलब अपार्टमेंट में, और देखो यार कैसे मारते हैं इस बंदे को। अब गाइस मैं क्या है बोलूँ, यहाँ पर मेरे को लगा था कि एक सेकंड के लिए कि भाई अब तो मैं गया, वो तो जैसे तस करके ये बंदे को फिनिश कर देते हैं। और मेरी किस्मत अच्छी थी, पीछे से भी स्प्रे आया था, मैं उससे भी बच जाता हूँ यहाँ पर। फिर कोई नहीं गाइस, उसके बाद देखो यहाँ पर जो सामने वाला अपार्टमेंट होता है ना, यहाँ अपार्टमेंट में भी एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप आने लग जाते हैं, और ये बंदा भी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो मुझे इसका वेट करना था, जैसे ऊपर मैं इसको भर दूँगा और मौका मिलता है, और इजीली ये बंदे को यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। अब गाइस उसके बाद देखो सीन क्या होता है, यहाँ पर मैं इस बंदे की पेटी को लूटता हूँ ये वाले अपार्टमेंट में आकर के। तभी यहाँ पर मेरे ऊपर एक मोली आती है, और थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पर एक बंदे के फुटस्टेप आने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ तक तो सही था मामला, पर लेकिन यहाँ पर एक और बंदे के फुटस्टेप आने लग जाते हैं मेरे को। और देखो यार यहाँ पर किस तरह से हम इस फाइट को निकालते हैं। खैर गाइस इस बंदे को यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ऊपर की तरफ कहीं पे फाइट हुई है, पर लेकिन ये फाइट सबसे नीचे होती है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा से इस वाले अपार्टमेंट में आता हूँ, और यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना भाई, मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आने लग जाते हैं, और मेरे को इस बंदे के फुटस्टेप आने लग गए थे कि मतलब ये वाली सीढ़ी तक पहुँच चुका है ये बंदा। तो अभी मेरे को स्प्रे देना है और आराम से फिनिश कर देते हैं वाले बंदे को। फिर गाइस उसके बाद देखो मैं यहाँ पर जोनिंग करने के लिए, ब्रिज क्रॉस करने के लिए जा रहा होता हूँ, तभी मेरे को यहाँ पर एक यूएसएड स्पॉट होती है, और मैं सीधा इस बंदे के पीछे लग जाता हूँ यहाँ पे। अब गाइस देखो ये जो बंदा था ना, ये बंदा जहाँ तक मेरे को लगता है 50 HP तो ये बंदे की यहाँ पर चली ही गई होगी। तो फिर मैंने सोचा चलो यार अब तो ये बंदे के ऊपर अंधा पुश करना ही पड़ेगा। और भाई मैं सही बताऊँ ना, जब भी आपकी HP कम होती है ना, और आप किसी घर पर आकर के रुक रहे हो, तो भाई घर के बाहर से फर्स्ट एड लगानी चालू कर दो और घर के अंदर जाते रहो धीरे धीरे। फिर गाइस यहाँ पर ब्रिज क्रॉस कर रहा था, और मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था यहाँ पे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। और भाई साहब ये वाला सीन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दो। और आप में से किसी के भी घर वालों ने गलती से भी सुन लिया है ना यहाँ पर ये, तो भाई मेरे को माफ़ कर दो, कमेंट में गाली वाली मत देना। फिर उसके बाद देखो होता है कि यहाँ पर पीछे की तरफ एक बग्गी स्पॉट होती है, और मुझे नहीं पता इस बंदे ने मुझे स्पॉट क्यों नहीं किया,
पर मैं यहाँ पर ये बंदे को स्पोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये बंदे को मैं भर भी देता हूँ। फिर गाइस देखो यहाँ पर थोड़ी सी लूट करके ये वाले कंपाउंड पे आता हूँ और यहाँ से भी जोन हट जाता है तो बग्गी उठा करके सीधा ये वाले कंपाउंड से निकल जाता हूँ। तो मैंने सोच लिया था इस वाली जगह पर पहले से एक बंदा था तो फिर सीधा यहाँ पर ही जाएंगे और ये बंदे को फिनिश करेंगे। यहाँ पर पीछे से मेरे को फुटस्टेप आते हैं बंदे के, तो मैं पीछे की तरफ फिर से जाता हूँ और ये जो बंदा था ना मेरे को अब स्पोर्ट हो जाता है पेड़ के पीछे। अब गाइस देखो यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना ये बंदे को भी आराम से फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर बग्गी उठा करके मैं और बंदे को मारने के लिए जा रहा होता हूँ। देख रहे हो मतलब लास्ट जोन चल रहा है पर लेकिन भाई फिर भी मैं फुल रश ही खेल रहा हूँ क्योंकि यार देखो यार अगर बीजीएमआई जाता है ना तो थोड़ा सा अच्छी तरह से गेम को खेल कर मैं चाहता हूँ कि गेम जाए क्योंकि यार रैंक पुश तो हम हमेशा करते हैं। खैर कोई नहीं गाइस आज की ये वाली वीडियो को कैसे ले, जो बंदा भी नया हो चैनल पे जल्दी से कमेंट करके बता दो और ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ यार। पता नहीं मैंने आउट्रो कैसा बोला। खैर कोई नहीं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बता देना मेरे को पबजी न्यू स्टेट खेलना है, उसका गेम प्ले आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए।